आपने अक्सर डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर के बेटे को इंजीनियर, नेता के बेटे को नेता बनते ही देखा होगा, लेकिन डिंडौरी विधानसभा के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम के सुपुत्र शिवाय मरकाम ने इस परंपरा को तोड़ा। ओमकार मरकाम के बेटे शिवाय मरकाम नेता न बनकर स्नेक कैचर बने हैं। वे खतरनाक से खतरनाक सांपों को चुटकी बजाकर पकड़ लेते हैं। हाल ही में उन्होंने एक मकान से करीब 7 फीट लंबे खतरनाक प्रजाति के ब्लैक कोबरा सांप का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद शिवाय मरकाम ने ब्लैक कोबरा को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। शिवाय मरकाम पिछले 2 सालों से स्नेक कैचर का काम कर रहे हैं और अब तक करीब 500 सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं। शिवाय मरकाम बताते हैं कि उन्होंने सांप पकड़ने की ट्रेनिंग भोपाल आर्मी कैंप से ली है। उन्हें बचपन से ही वन्य प्राणियों के प्रति लगाव रहा। वहीं उनके पिता ओमकार मरकाम अपने पुत्र के इस काम को पुण्य का काम बताते हैं और उन्हें सावधानी बरतने की हिदायत देते हैं। मैं 500 से ज्यादा सांपों का मैं रेस्क्यू कर चुका हूं। अभी यह साल 147 सांप कल ही पकड़ा हूं। 147 सांप अभी तक 2022 में रेस्क्यू हो चुके हैं, जिसमें कोबरा है और जो जहरीले वेनिमस स्नेक है उसमें कोबरा है, कॉमन क्रैट है, रसल वाइपर है। हमने कहा भी सावधानी बहुत जरूरी है और जिस तरह से जहरीले सर्प को पकड़ना बहुत ही कठिन कार्य होता है और हमने कहा भी कि ये बहुत कठिन कार्य है, पर उनका रुचि है, वो पकड़ते हैं, इसलिए आशीर्वाद ही देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें हमेशा इस कार्य में ईश्वर कृपा बनाए रखें। भोपाल से बड़ी खबर है, हमीदिया अस्पताल रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी, ये पूरा केस है। जिला कोर्ट ने नाराजगी जताई है, भोपाल क्राइम ब्रांच की अधूरी डायरी पर सख्त नाराजगी जताई है। 11 अगस्त को फाइनल रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं। याचिका में नेताओं और अफसरों की सांठगांठ का आरोप लगाया गया था।